एक नामी यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट और एक रैकेट हम लोगों ने पकड़ा था। तो सिलोंग जो मेड गांजा है और जो चरस है वो सब पकड़ी गई थी। एक इसमें राइडर भी पकड़ा गया है, जो रेपिडो जो होता है जिसे राइडिंग बुक कराते हैं, वो राइडर जो है वो जहाँ भी डिलीवरी की आवश्यकता होती थी वहाँ ये डिलीवर करते थे। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। और इस वीडियो में हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, तो रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखना। देखिए दोस्तों, हम में से जितने भी भाई जो डिलीवरी का काम करते हैं, ये न्यूज़ उनके लिए खास करके। बाइक टैक्स से या फिर डिलीवरी का जो जॉब है दोस्तों, वो हम इसलिए करते हैं, कुछ लोग तो दोस्तों शौक के पर्पज़ से करते हैं, कुछ लोगों की ये मजबूरी से ये काम करना पड़ रहा है। क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक इतनी अपॉर्चुनिटी, जो जॉब आज हम डिलीवरी सर्विस में करते हैं या ओला उबर रैपिडो चला रहे हैं, उससे पहले हम लोग कॉल सेंटर में जॉब करते थे। बट आज के टाइम पे हम इस काम को करते हैं, क्योंकि इस काम में जो फूड डिलीवरी हो या फिर पार्सल डिलीवरी या फिर बाइक टैक्सी, इसमें दोस्तों हमें टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जिसके वजह से हम इस काम को करना प्रेफर करते हैं। क्योंकि हमें कॉल सेंटर में भी, अगर हम 12th पास हैं और मैक्सिमम अर्निंग की बात करें, तो वहाँ पे भी 14-15 हज़ार रुपये मिलता है। वहीं अगर हम इस जॉब में करते हैं तो यहाँ पे भी हम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ हम अपना 15 से 18 हज़ार रुपये कर लेते हैं। तो चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे की बात। इस वीडियो को बनाने के पीछे दोस्तों जो रीज़न है वो यही है कि ट्विटर पे अगर आप फॉलो करेंगे पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर, तो उस पर आपको ये न्यूज़ मिल जाएगा कि हाल फिलहाल में कुछ डिलीवरी पार्टनर्स और कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को इन्होंने पकड़ा है। और ये क्या करते थे, जैसे कि हम डिलीवरी का काम करते हैं तो हम लोगों को ये बुक करते हैं और छोटे पुड़िया में, जिसमें अमेजोन और फ्लिपकार्ट के का रैपिंग होता है, और उस पर करके और एड्रेस बुक करके, और सेम डे जो डिलीवरी हम करते हैं लाइक पोर्टर ऊबर या फिर या रैपिडो में भी लोग पार्सल कस्टमर की जगह पार्सल दे देते हैं। और उसमें क्या करते हैं कि इल्लीगल चीज़ें, जैसे इस वीडियो में मैं आपको ट्विटर का लिंक दे दूंगा, जिससे आप ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं कि क्या कह रहे हैं हमारे पुलिस प्रशासन इसको लेकर। तो उनको पकड़ने के पीछे रीज़न यही है कि वो लोग इल्लीगल काम करते थे, यानी जो कॉलेज के स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं ना, उनको टारगेट बनाते थे और हम डिलीवरी पार्टनर्स के थ्रू इन आइटमों को भेजते हैं वो लोग। देखिए दोस्तों, आइटम तो वो भेज रहे हैं लेकिन लेके हम जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर ऑन स्पॉट पकड़े जाते हैं तो भाई हमें भी पूछताछ होगी कि आप कैसे ले जा रहे हो ये चीज़, क्योंकि आप एक कंपनी के थ्रू लेके जा रहे हो। आप में से बहुत सारे भाई ये बोलेंगे कि भाई सर हमें क्या करना, हम तो एक कंपनी के राइडर हैं और हमने अपना DL बाकी सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट कराए हुए हैं, अब आइटम के अंदर क्या है वो तो हम देखेंगे नहीं, है ना, उसमें हम कैसे फंस सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब बात आती है ना फंसने की, तो कहते हैं ना कि ऊँट पे चढ़े को भी कुत्ता काट लेता है, तो फिर वो वाली सीन अलग है। बाकी देखो, आप अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखो, मैं इतना कहना चाहूँगा। इस न्यूज़ के बाद इस वीडियो को मेरा बनाने का यही मकसद है कि हम जो भी डिलीवरी वाले भाई काम कर रहे हैं, अगर आपको 1% भी लग रहा है ना कि ये इल्लीगल आइटम भेज रहा है, क्योंकि हमारा सिक्स सेंस जो है ना इंसान का, हम डिलीवरी पार्टनर हम काम कर जाता है कि उस बंदे का रहन सहन, हिलना डुलना, बात करने के, उससे पता लग जाता है कि ये क्या भेज रहा होगा। तो इसलिए अगर आप में से कोई भी ये वीडियो देख रहे हो या फिर जो काम करते हो, प्लीज़ उसको ये वीडियो शेयर करो। अगर आपको लगता है 1% भी डाउट कि ये भाई कोई इल्लीगल सामान भेज रहा है, गांजा चरस कुछ भी, मैं इसलिए प्रॉपर नाम ले रहा हूँ क्योंकि उस वीडियो में भी हमारे जो पुलिस अधिकारी है वो इस चीज़ का नाम लेके प्रॉपर बता रहे, कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उसमें इन्वॉल्व, और एक दो शायद कुछ बाइक राइडर्स भी हैं जो कि रैपिडो चलाते हैं, वो लोग ये काम कर रहे थे और पुलिस ने जो है पकड़ लिया। और देखिए, उसमें भाई ज़रूरी नहीं कि भाई काम, हम लोग तो फील्ड में हैं भाई, उसको बनाने वाला कोई है, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला कोई है, पुलिस प्रशासन उन पे भी, उनको भी पकड़ेगी, लेकिन सबसे मेरा काम है, क्योंकि मैं एक डिलीवरी पार्टनर हूँ, मैं एक बाइक टैक्सी राइडर हूँ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई ये न्यूज़ मेरे कान में गई है तो मैं अपने थ्रू आप लोगों को ये बात बताऊँ कि भाई ऐसा इंसिडेंट हो रहा है हमारे दिल्ली NCR में। ये नोएडा की बात है, और अगर बात करूँ मैं दिल्ली की, तो भाई दिल्ली में भी बहुत सारे एरिए हैं, मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हो इस चीज़ को। तो प्लीज़ सिक्योर रहो, और कभी भी ऐसा कोई पार्सल आता है जिसमें आपको 1% भी डाउट लगता है कि ये भाई इसमें इल्लीगल आइटम है, तो प्लीज़ सावधान हो जाओ, और उस पार्सल को वहीं पे खोल के दिखाने के लिए आप उनको बोलो कि सर सॉरी, मैं नहीं ले जा सकता, अगर आप मेरे को इसको खोल के दिखाओगे तो मैं ले जाऊंगा, अदरवाइज़ नहीं ले जाऊंगा। और इसी तरीके से हम अपना सेफ्टी कर सकते हैं। तो लास्ट में यही बोलूँगा कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, और कुछ भी डाउट लगता है तो जैसा मैंने बताया वो प्रोसेस करो,
क्योंकि देखिए जब वक्त आएगा कि आप सोचोगे कि कंपनी पे मेरी हेल्प कर देगी या कोई कस्टमर केयर हेल्प कर देगा, तो अगर आप लोग जानना चाहते हो ना, तो पोर्टर का एक कस्टमर मेरे को लीकर लाने के लिए बोल रहा था, शराब लाने के लिए, जिसके लिए वो 100-200 रुपए एक्स्ट्रा भी पे करने को राजी था, लेकिन मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया और उनको बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है, तो वो मुझे समझा रही थी मैडम कि सर ये आप, हम पोर्टर अलाउ नहीं करती ऐसे आइटम के लिए, लेकिन अगर आप अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लेके जाना चाहते हो तो लेके जाओ। तो आप समझ लो कि वो खुल के बोल रही है। और ये वीडियो अगर देखना है तो आई बटन पे दूंगा, आप लोग वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। तो भाई अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, बस इतना ही बोलूंगा, किसी के भरोसे मत चलो, कोई कंपनी आपको, क्योंकि ऑन स्पॉट जब आप पकड़े जाओगे तो आप पकड़े जाओगे। आप अपने फैमिली के लिए काम कर रहे हो, आपके पीछे आपके घर की कंडीशन क्या है वो आपको पता है, आपको 300-400 हज़ार रुपये डेली कमाना है अपने बाइक से और यही काम करके कमाना है, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो भाई प्लीज़ सिक्योर करो, सेफ्टी के संग काम करो। कहीं थोड़ा सा भी डाउट होता है ना, तो अपने आप करके आप मेरे को इंस्टाग्राम पे बता सकते हो कि VSK भाई ये इंसिडेंट हुआ है मेरे संग, तो मैं आपकी स्टोरी अपने चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। तो आप मुझसे कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो है ना मेरा डिटेल है, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने सभी राइडर के संग जरूर शेयर करें। थैंक यू।